आरोग्य जागृति। क्या आप कोरोना से ठीक हो चुके हो? तो ये खबर आपके लिए है। आज की ये खबर औरंगाबाद के पैसिफिक हॉस्पिटल से है, जो हिमायत बाग चौक में स्थित है। यहाँ के डॉक्टर अशफाक अंसारी जी, जो कि जाने माने ENT स्पेशलिस्ट है, इन्होंने कोरोना के बाद होने वाले साइड इफेक्ट के चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने रखे हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है। जी हाँ, जो मरीज कोरोना जैसी बीमारी को हरा कर जीत गए हैं, ये खबर उन्हीं के लिए है। दोस्तों, कोरोना बीमारी में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली 3 दवाइयाँ, नंबर 1 रेमडेसिविर, 2 स्टेरॉइड और तीसरी खून पतली करने वाली दवा। ये 3 दवाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है आपकी जान बचाने के लिए। इनमें जो स्टेरॉइड नाम की दवा है, अब इसके साइड इफेक्ट्स मरीजों में ज्यादा नजर आने लगे हैं। एक तरफ कोरोना में ये दवा आपकी जान बचाती है, तो दूसरी ओर आप ठीक हो जाने पर आपके दांत, नाक और आंख को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। दोस्तों, अगर आप शुगर और BP के मरीज हो, आपको कोरोना हुआ था, कोरोना के समय आपको ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड नाम की दवा दी थी और अभी आप ठीक हो चुके हो, कुछ दिन बाद आपके कान नाक में दर्द या खुजली जैसा हो रहा हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये म्यूकरवाइकोसिस नाम के बीमारी के संकेत हो सकते हैं। म्यूकरवाइकोसिस, जिसके कारण आपके नाक में फंगल्स होकर अंदर से आपकी आंखें खराब हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, जल्द इलाज न मिलने पर आपकी आंखें तक निकालनी पड़ सकती है। जरा सुनिए औरंगाबाद के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशफाक अंसारी जी हमें क्या बता रहे हैं। डॉक्टर अशफाक अंसारी साहब जो ENT सर्जन है, काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी उन्होंने ENT पेशेंट के ऊपर काफ़ी ट्रीटमेंट किया है, क्रॉनिक पेशेंट भी उन्होंने किया है, उसी से जानेंगे ये डिसीज़ क्या है, कोरोना से कैसा बढ़ता है और कोरोना के बाद होने वाले जो हालात है पेशेंट के, उसी के बारे में हम डॉक्टर अंसारी साहब से बात करेंगे। चलिए, म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी है, ये कोरोना से पहले भी काफ़ी लोगों में हुआ करती थी, लेकिन ये ऐसे लोगों में होती थी जिनको कई ज़माने से शुगर है, डायबिटीज़ है, या लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या जो लोग स्टेरॉइड थेरेपी पे हुआ करते थे ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, तो जिनका शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस बीमारी ऐसे लोगों को वक्तन फ़ौक्तन, यानी हज़ारों में कुछ लोगों को हुआ करती थी। लेकिन जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोरोना जब से आया है, तो कोरोना का जो मेन ट्रीटमेंट है वो रेमडेसिविर, स्टेरॉइड और खून पतला होने की दवा है, जिसमें स्टेरॉइड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यही जो स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड की वजह से भी ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। कोरोना के पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस होने की 2 से 3 वजह है, जिसमें से एक मेन ये है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए अक्सर औकात डॉक्टरों को कोविड पेशेंट में, कोरोना के पेशेंट में स्टेरॉइड देना पड़ता है हाई डोज, जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है उनका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस वजह से बाद में पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस होने की इम्कान ज़्यादा है। दूसरा, कोरोना जो बीमारी है ये खुद आदमी की इम्यूनिटी पे अटैक करती है, अब वो इम्यूनिटी लोअर होने के वजह से भी ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है बढ़ जाते हैं। तीसरा है, कोरोना के अंदर इंसान का जो फेरिटिन का मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और फेरिटिन ये माना जाता है कि म्यूकरमाइकोसिस का सब्स्टेट है, सब्सटेंस बेस है, जिसको जो उसको ग्रो करने के लिए जो है तो प्रोवोक करता है। तो शायद ये 3 वजह है जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी कोरोना के बाद अक्सर पेशेंट में जो है तो देखने में नज़र आ रही है। अब ये बीमारी ऐसी है, जिस तरीके से कोरोना का जो मॉर्टेलिटी रेट है उस तरीके से ये एग्रेसिव बीमारी है, इसका वक्त पे इलाज करना और वक्त पे ट्रीटमेंट लेना, चाहे वो दवाइयाँ रहे चाहे वो ऑपरेशन रहे, वो ज़रूरी है। देखिए, अक्सर में क्या होता है, जब पेशेंट कोरोना से इफ़ेक्ट होता है यानी पीड़ित होता है, उस वक्त उसको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो पेशेंट को, अब ये कोरोना का प्रेजेंटेशन पेशेंट जब कोविड ट्रीटमेंट चालू है तब भी हो सकता, या कोविड से ठीक होने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर भी ये कोरोना इफेक्ट हो सकता है पेशेंट को। अब इसमें मेन सिम्टम जो है पेशेंट को क्या रहेंगे कि पेशेंट नाक का बंद होना यानी नेजल स्टफिनेस, ये इसकी शिकायत करेगा। पेशेंट सर दर्द होना ये शिकायत करेगा।
पेशेंट दांत में दर्द होना ये शिकायत कर रहा है, अगर ये साइनस को इन्वॉल्व हो रहा है, यानी साइनसिस इन्वॉल्व कर रहा है, तो यानी दांत में दर्द होना, खाने में बड़ा अजीब महसूस होना, नाक बंद हो जाना या नाक में खुश्की आना, नाक में खपले आना या सर दर्द होना, ये नाक के लिए है। और अगर पेशेंट की आँख इन्वॉल्व हो रही है तो पेशेंट ये शिकायत करेगा कि आँख के जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, या आँख में सूजन आ रही है, या आँख में दिखने में जो है तो आदमी को तकलीफ हो रही है। ये ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट जिसको बोलेंगे उसके वजह से ये ऑर्बिटल सिम्टम्स आते हैं। तो प्राइमरीली जो है कोरोना वायरस, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये साइनसिस को और ऑर्बिट को इन्वॉल्व करता है। उसके कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड फिर वो फैल सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। और ये जो म्यूकर माइकोसिस है जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत एग्रेसिव है। ये एग्रेसिव है इसलिए इसका जल्दी इलाज करना ज़रूरी है। तो अब इसकी इलाज की शक्लें क्या है? सबसे पहली चीज़ है, एक जो भी पेशेंट कोरोना से ठीक होकर जा रहा है और ये सिम्टम लेके आ रहा है, तो सबसे हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ता है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि भाई अगर पेशेंट ये शिकायत अपने कर रहा है तो अपने जहन में पहले आना चाहिए कहीं ये पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर अपने को ये लगता है ऐसा है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी जो भी ENT डॉक्टर है या जनरल फिजिशियन है जिसने आपका इलाज किया, आप उनसे राबता कायम करें और उनको बताएं, तो ताकि आपको वो आगे गाइड कर सके। और उसके बाद की स्टेप क्या है? डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हम लोग CT स्कैन निकालेंगे। ENT डॉक्टर जो है नेजल एंडोस्कोपी करके देखते हैं, उसमें अगर उनको क्रस्ट नज़र आए तो वो क्रस्ट फंगल कल्चर के लिए भेजा जाता है। और जब CT स्कैन और फंगल कल्चर पे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद सर्जरी की स्टेप आती है। पहले ये पेशेंट को एडमिट किया जाता है, फिर इनको एम्फोटेरिसिन दिया जाता है। एम्फोटेरिसिन की 2-3 किस्में हैं, एक सिंपल एम्फोटेरिसिन है, एक इमल्सिफाइड एम्फोटेरिसिन है और एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन है। सिंपल एम्फोटेरिसिन जो है वो थोड़ा सा किडनी के लिए ठीक नहीं रहता लो डोजेज या हाई डोजेज में, तो वो जो लोग हेल्दी है जिनका किडनी अफेक्टेड नहीं है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो लोगों को सिंपल दे सकते। अदरवाइज जो जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ऐसे लोगों को लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन देना ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा आता। तो पहले एडमिट करके पेशेंट को लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दे देना, और फिर अगर वो बीमारी साइनसिस में है तो साइनस एंडोस्कोपी करके उसको क्लियर करना वक्त जल्द से जल्द, ये ज़रूरी है। अगर ये ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहा है और ऑर्बिट में लिमिटेड डिजीज़ है तो ऑर्बिटल इंजेक्शन आजकल एम्फोटेरिसिन का देते हैं वो दे सकते, और बहुत ज़्यादा यानी बढ़ गया है जिससे अपन ऑर्बिट बचा नहीं सकते, तो ऑर्बिट यानी आँख बचा नहीं सकते तो आँख को निकालना नहीं, यानी जिसको ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन बोलते हैं, वो आँख के डॉक्टर की सलाह के हिसाब से 2 आँख के डॉक्टर का ओपिनियन लेके उसको अपने को करना पड़ता है। और ये पेशेंट को जब तक कि वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, मतलब नाक की एंडोस्कोपी रिपीटेड करके जब हमको नज़र आता कि भाई अब ये क्लियर हो गया, ये एग्रेसिव नहीं है, ये इन्वेजिव नहीं है, तो इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं, फिर उसके बाद जो है तो वो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन तकरीबन मिनिमम जो है तो 200 to 250 यानी 5 to 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, 3 ग्राम मिनिमम देना पड़ता है, लेकिन सीवरिटी के हिसाब से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डोज जो है 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंदर ये दिया जाता है स्लोली। इस दौरान पेशेंट के शुगर मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, पेशेंट का किडनी फंक्शन मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज लगना ज़रूरी रहता है। अगर उस पे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या आगे डिसीज़ बढ़ सकता है या फिर जान पे आ सकती है? जी, ये जो बीमारी है ये बहुत एग्रेसिव है और ये जानलेवा भी है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर ये दांतों के अंदर फैलती है तो दांत पूरे ख़राब हो जाते हैं, उसको निकालना पड़ता है। अगर ये आँख के अंदर फैलती है तो आँख को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, आँख को भी निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग एक्सेंट्रेशन बोलते हैं। साइनस के अंदर फैलती है, जैसे ये चीक बोन्स है अपने, तो चीक बोन्स के अंदर जा रही है तो चीक बोन्स भी निकालना पड़ा है, मैक्सिलेक्टोमी। तो अक्सर औकात में अगर ये एडवांस डिजीज़ है, एक तो ये जानलेवा भी है, लेकिन इसकी जो सर्जरी है बहुत म्यूटिलेटिंग है, यानी डिसफिगरिंग सर्जरी है, चेहरे को बिगाड़ देने वाली सर्जरी है। तो इसका जल्दी से डायग्नोसिस करना, जल्दी से ट्रीटमेंट या ऑपरेशन कराना इसलिए ज़रूरी है, एक तो जान बचाने के लिए, दूसरा इसकी जो सर्जरी से बहुत म्यूटिलेटिंग है, डिसफिगरिंग सर्जरी से, तो वो सर्जरी से बचने के लिए इसका जल्दी इलाज करना ज़रूरी है। अच्छी आपने हमें हमारे दर्शकों को मालूम दी है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोरोना हो जाता है उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद घर जाते हैं तो हमने प्रिकॉशनली क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या क्या टेस्ट करना चाहिए या कौन से डॉक्टर को बताना चाहिए? सबसे पहली चीज़ यह है कि अक्सर ये देखने में आया है कि कोरोना होने के बाद पेशेंट वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, कोरोना से ठीक होने के बाद पेशेंट ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ आएंगी अच्छी ग़िज़ा लेना,
यानी हेल्दी डाइट लेना। दूसरी चीज़, आप माइल्ड एक्सरसाइज योगा करो डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ कोरोना। सीवियर कोरोना में तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आपको जो है तो सांस चढ़ेगी, माइल्ड कोरोना में। इसलिए इम्यूनिटी पहले, सबसे पहली चीज़ है आप इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है, कोरोना होने के बाद मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए, वो सिम्टम्स अगर आपके अंदर नज़र आते तो तुरंत एकदम इमीडिएटली आप अपने जो नज़दीक के डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, ENT सर्जन है, आप उनको बताइए, या मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, या डायबिटोलॉजिस्ट है, जो भी आपके नज़दीक आपके पहचान के डॉक्टर है, उनको बता देना, वो अर्ली इसमें इसको डिटेक्ट करके आपका इलाज शुरू कर देंगे। बताया कि ये कोरोना होने के बाद, ये डिसीज़ कोरोना नहीं भी हुआ है तो भी हो सकता है क्या? आपको बताया कि पहले भी ये म्यूकर माइकोसिस हुआ करता था इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में, यानी जो लोग डायबिटिक है लॉन्ग टर्म, या जो लोगों को स्टेरॉइड थेरेपी है, या जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो बिगर कोरोना के भी ये बीमारी थी, लेकिन इसका जो इंसिडेंस था, यानी जो फ्रीक्वेंसी देखने में आती थी, वो बहुत कम थी, यानी साल में हम लोग जो है तो 2-4 पेशेंट देखते थे। लेकिन अब कोविड के वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसे है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो रही है और बहुत सारी वजूहत है, इसका इंसिडेंस जो है, इसके इंसिडेंस जो है तो वो बढ़ गया है। अभी एज अ ENT सर्जन हमारे पेशेंट को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और क्या कितने दिन में इसका टेस्ट कर लेना चाहिए? कोरोना होने के बाद 1-1.5 महीने तक, या उसके बाद भी थोड़ा बहुत, मेन पीरियड तो 1-1.5 महीना है, ये होने के चांसेस है। तो प्रिकॉशन तो है, नेजल हाइजीन अच्छा रखना, नाक की साफ़ सफाई अच्छा रखना, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, और अर्ली सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे तो अपने आप का इलाज कराना, बस यही है इसके अंदर। दूसरी चीज़, आपका शुगर है उसको अच्छे तरीके से आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे हमारे पास पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, जो ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन है, जो 3 महीने का शुगर बताता है, वो नॉर्मली 6 के अंदर रहना, लेकिन कोविड के वजह से, या जो डायबिटिक पेशेंट है उनका, जो लोग ये म्यूकर माइकोसिस लेके आ रहे हैं उनका हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन 8 से ज़्यादा है, कुछ लोगों का 11 है, कुछ का 14 है। मतलब ये लोगों ने आखिरी 3 महीने में अपने शुगर को कंट्रोल करने की कोई कोशिश ही नहीं की है। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने शुगर को अच्छे से, अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल में रखिए, ताकि ये बीमारी आपको ना हो। पैसिफिक हॉस्पिटल में एडवांस ENT के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ये भी हम उनसे जानेंगे, और यहाँ पे क्या एडवांस फैसिलिटीज़ है, ये भी हम उनसे जानेंगे। ENT में हर किस्म की सर्जरी पैसिफिक हॉस्पिटल में होती है, हम लोग करते हैं। हमारे पास डायोड लेज़र है, एडवांस ENT एंडोस्कोपी सिस्टम है, और हर किस्म की ईयर, नोज़ और थ्रोट सर्जरी यहाँ हमारे पास होती है।